देखिए हम आपको ले चलते हैं अपने एक एक्सपेरिमेंट में, जो दो डेट ऑफ सोइंग में हम इसको टेस्ट कर रहे हैं। इसमें हमारी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 वैरायटी हैं जो कि दिसंबर में इसकी बुआई हुई है, और इसकी डिजाइन है स्प्लिट प्लॉट डिजाइन। अब दिसंबर में बुआई में कौन सी वैरायटी ज़्यादा अच्छी परफॉर्म करती है उसको हम स्क्रीन कर रहे हैं, और यही वैरायटी इधर जरा दिखाएं, इसमें इस एक्सपेरिमेंट में इसी प्लॉट में भी बोई गई है सेम वैरायटी, बट इनकी जो है बुआई नवंबर माह में हुई है। तो अब आप देखिए नवंबर माह में बुआई और दिसंबर माह की बुआई में क्या अंतर आ रहा है। नवंबर माह की बुआई वाली जो क्रॉप है हमारी इरिस्पेक्टिव ऑफ वैरायटी, ये एंथेसिस स्टेज पे चल रही है, जबकि दिसंबर माह की बोई हुई वैरायटी अभी मैक्सिमम टिलरिंग के स्टेज पे चल रही है। तो ये सब चीज़ें यील्ड में पेनाल्टी, यही ये भी एक कारण है कि अगर हम कोई वैरायटी गेहूं को लेट बोते हैं तो कम उपज देती है, क्योंकि उनके स्टेजेस बहुत टेम्परेचर डिपेंडेंट स्टेजेज होते हैं। अगर टेम्परेचर राइट नहीं रहेगा तो वो जल्दी से टेम्परेचर, जैसे अब आपका फरवरी का महीना चल रहा है, टेम्परेचर अभी सूट अप करेगा तो ये प्रॉपर टेलरिंग होने के बजाय सीधे इसमें से कल्ले निकल बूटिंग और इमरजेंस ईयर इमरजेंस की स्थिति स्टार्ट हो जाएगी जैसे ही अब टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ये अंतर आता है नवंबर और दिसंबर सोन वेराइटीज में। अभी इस वेराइटीज में अभी स्टेज में तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं कि क्या परफॉर्मेंस होगा, लेकिन इन वेराइटीज में डेफिनेटली कुछ वैरायटी जो नवंबर को सूट करेंगी, कुछ वैरायटी जो दिसंबर में भी अच्छा परफॉर्म करेंगी, इनके एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के बेस पे हम फाइंड आउट कर लेंगे। बंद कर।